हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान जिनके गाने हम सालों से सुनते हैं और आज भी इनके गाने जब हम सुनते हैं ऐसा लगता है कुछ नया है। सो प्लीज वेलकम लीजेंडरी सिंगर अनुराधा पौडवाल मैम। नमस्कार। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके गाने आज भी उतने ही प्यार से सुने जाते हैं, और थैंक यू सो मच कि आप सोसाइटी के लिए आज आगे बढ़कर आई हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, पहले तो आप थैंक यू मत कहिए, ये हर एक नागरिक का फर्ज है ना। तो जितना मेरे से बनता है हम लोग उतना कर रहे हैं और ये हमारा उत्तरदायित्व है। सो आई एम नॉट डूइंग समथिंग मतलब आउट ऑफ द वे नहीं कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा जितना मेरे से हो सकता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आई शुड बी ऑफ हेल्प। बिल्कुल। सो मैम, कब इसकी शुरुआत हुई, कब ऐसा लगा कि अब कुछ करना चाहिए, बहुत ही सिचुएशन खराब हो चुकी है? देखिए, ये तो सुनने में तो आता ही था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बहुत कमी है और लोग खरीदना चाहते थे लेकिन अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज एकदम इतने ज्यादा नंबर्स में बढ़ गए ना पेशेंट्स, तो उतनी रिक्वायरमेंट मीट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे में समबडी कॉल्ड मी फ्रॉम USA, और आप ही, आपने सुना होगा, आप ही मतलब फिजिशियंस का एसोसिएशन है बहुत बड़ा, उन्होंने मुझे फोन किया था कि हम कुछ एक जूम कॉल पे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आप कुछ गाएं, कुछ मंत्र वगैरह हम चैंटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वो सब मैं करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जरूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की। Okay. कुछ भी करिए और वहां से भेजिए। बोले हमारे, पहले बताया नहीं आपने, हमारा मतलब वहां पे ऑलरेडी 2500 कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको कितने चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि जितना आप मुझे दे सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स में देना चाहती हूँ। तो फिर देन दे हेल्प्ड, फिर यहाँ पे कोटक जी करके हैं, तो उन्होंने भी, मनीष कोटक करके हैं, ही ऑल्सो हेल्प्ड, समबडी फ्रॉम कैलकटा हेल्प, वी ऑल केम टूगेदर। और सूर्योदय फाउंडेशन मेरा एक फाउंडेशन है जहाँ पे हम सभी मिल के आके यू नो वी कैन हेल्प। एंड सो वी वर वेरी लकी कि हमें 9 मई को जो अरुण जी का, मेरे हस्बैंड का, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन हमने 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वी कुड हम हॉस्पिटल्स को दे सके। फिर हमने थैंक्स टू सेवा भारती इन दिल्ली, उनकी तरफ से भी हमने 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अयोध्या में भेजे हैं, और 3 हमने माता आनंदमयी हॉस्पिटल जो है बनारस में, वहां पर वो भी भेजे हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ करते हैं, और जनरली हमेशा मुझे यही सिखाया गया है कि मतलब कुछ करो तो दाएं हाथ का बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो रीजन मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अरे ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन कि आप भी कर सकते हैं, किसी, जरूरी नहीं कि हर एक इंसान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही दे, यू नो, कोई अन्य दे सकता है। देयर आर सो मेनी फैमिलीज, जो पेशेंट्स की जो फैमिलीज हैं, तो वो बेचारे मतलब ऐसे हो गए उनकी स्थिति कि इवन पेशेंट मतलब जिनके साथ इतना अच्छा नहीं होता, उनकी फैमिली बेचारे वो कहीं के नहीं रहते, ना उनको खाने को मिलता है, ना उनको रहने की उनकी व्यवस्था होती। जिस तरह से जो भी आप कर सके किसी के लिए वो करिए, दिस इज दैट टाइम। मतलब इस, अगर हर इंसान बाकी हर एक सब्जेक्ट को साइड में करके अगर सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेट करे कि इसको कैसे खत्म करना है कोविड को, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, और सही कहा आपने कि अगर हमारी बातें दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन इससे काफी लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी आगे आते हैं, सपोर्ट करते हैं, भले ही छोटी मदद हो, बड़ी मदद हो, लोग आगे मदद मदद होती है, मदद मदद होती है उसकी, मतलब हम उसको इससे नहीं कहते इतने हजारों की मदद बड़ी मदद नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मदद मदद होती है, जिसको प्यास लगी अगर उसको उस वक्त पानी मिल जाए सबसे बड़ी मदद। बिल्कुल। सो अगर आज की बात करें तो आज काफी लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, क्या कुछ कितनी डिमांड्स आ रही है, कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें मदद की जरूरत है? नहीं, हमको मदद की जरूरत जब भी उनको पता चलता है तभी मेबी सम पीपल अप्रोच करते हैं कि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटर्स है तो हमें चाहिए,
लेकिन उससे भी ज्यादा आई विल रीच आउट टू पीपल कि मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है। जैसे आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अपनी जगह पे है, देखो उसकी जरूरत है, वो तो अपनी जगह है, वो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे दो चीजों की जो मुझे बहुत ज्यादा महसूस होती है इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप मैसेजेस देखो या मतलब हम न्यूज में या यूट्यूब में देखते हैं, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखते हैं, यहाँ इन्होंने वैक्सीन लिया तो इतने लोग मर गए, और उधर वो किया तो और 250 लोग मर गए, तो वाई इतने लोग हैं जो जिनको कोविड होके वो रिकवर हो गए और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अभी दो वैक्सीन तो मैंने लिए हैं एंड वी आर फाइन। तो ऐसी न्यूज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर भारत का फ्यूचर निर्भर है। सो वी हैव टू बी रियली रियली वेरी कॉन्शियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल कि लोगों तक हम अच्छी खबरें पे ही पहुंचनी जरूरत है। नेगेटिव खबर तभी बोलो जब आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा शौक होता है घर में बैठे बैठे सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड करना, नेगेटिव फॉरवर्ड करना। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? इफ यू कांट, डोंट फॉरवर्ड, है ना? क्योंकि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। नेगेटिव, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आप अगर फॉरवर्ड करते हो, ओके, मैं नहीं कहती हूँ मत फॉरवर्ड करो, लेकिन तुम कोशिश तो करो कि वो चीज ठीक हो जाए। अगर नहीं कर सकते हो, है ना, तो सिर्फ नेगेटिविटी मत फॉरवर्ड। बिल्कुल मैम, आपने दोनों डोज ले लिए वैक्सीनेशन के, एक परसेप्शन उसका भी बना था कि वैक्सीन लेना ठीक नहीं है, उससे लेकर काफी मिथ थे, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है, जब अगर परमेश्वर ने अगर वैक्सीन दिया है तो लेना ही चाहिए, है ना? ये सोच के इतनी खबरें किंतु परंतु क्यों आई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज को कोई अच्छा उसमें तो मतलब लोग तो ऐसे उसके ऊपर तो बातें करते कि जैसे हर एक ने PhD करी है उसके ऊपर। जी बिल्कुल, हर किसी को नॉलेज है इसके बारे में। अच्छा, हर एक को मालूम है, अपना काम जो करते हैं ना वो छोड़ के बाकी सब लोगों को, बाकी दुनिया भर का सब कुछ पता है जी। तो जिसका कोई मतलब नहीं ना, वो भी उसके ऊपर अपनी राय देगा, वैक्सीन से ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अमंग पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग पीपल। बाकी मेरा अपना पर्सनल ये रहा, जब भी मुझे कहा कि मतलब मेरे कान पे भी ये सारी बातें आती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर रास्ता क्रॉस करना है तो गाड़ी तो इधर से आएगी, हमारा कर्तव्य होता है कि इधर देखेंगे, बाकी जो होना होएगा। इससे ये थोड़ी कि तुम रास्ता नहीं क्रॉस करोगे। सो यू हैव टू बी वेरी मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने माइंड में, वो वैक्सीनेशन लेने के लिए वहां पहुंचने के पहले या अधमरे होके जाओगे तो कैसे होगा? सो यू हैव टू हैव दैट, बहुत अच्छी सोच लेके जाना चाहिए। बिल्कुल 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 मैम, आज देखा जा रहा है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम जहां भी आसपास जाते हैं कहीं खबरें आती है कि कोरोना से यहाँ मौत हो गई या इतने सारे केसेस आ रहे हैं, फिर भी लोगों में एक अवेयरनेस नहीं देखी जा रही, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे या मास्क पहन रहे तो उस समझदारी के साथ नहीं पहन रहे, नाक के नीचे मास्क है, वो सब देखकर आपको क्या फील होता है, क्या सोचती हैं आप? देखिए भारत अपना देश ऐसा है ना, तो आबादी इतनी मतलब इनसेन आबादी है, इनसेन, ओके। तो उसकी विचारधारा अगर हम सोचे ना कि हर एक को मतलब एक सेकंड में सबको एट वन टाइम सबको समझ में आने वाला है और सब बुद्धिमान होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हम अपील उनको कर सकते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझना चाहते हैं, है ना, जिनको समझता नहीं ना उनको कोई पाप नहीं, लेकिन जो समझ के ना समझ बनते ना वो
उनको पाप लगता है जरूर। बिल्कुल। तो जितने लोग बच सकते तो वो तो बचे, दे शुड नॉट बिहेव इरिस्पॉन्सिबल, उनको अलाउड ही नहीं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये माहौल ठीक हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल, ईश्वर ने खुद कहा हमारे पुराणों में कि कोई भी समय अच्छा बुरा कभी हमेशा टिकता नहीं है, तो ये भी खत्म होना ही है, इट कांट गो ऑन फॉरएवर। बिल्कुल। सो अगर म्यूजिक की बात करें मैम, आपको सुनने का बड़ा मन कर रहा है, कोई अगर एक गीत आप गाना आप कोई सुना दे, डिवोशनल हो या फिर कोई भी आप जो चाहे कोई सुना दे आज के माहौल को देखते हुए। क्योंकि हमने अयोध्या में भी वी हैव रीच्ड आउट, भगवान राम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करे, क्योंकि हम कहते हैं कि इतने सालों बाद जब भगवान राम बाहर आए हैं और उनका मंदिर बन रहा है और मतलब बाहर निकले हैं वो प्रिजन में से, कारागार में से वो बाहर निकले हैं, तो रामराज होना ही चाहिए, तो मतलब देर किस बात की। तो मैं उन्हीं को स्मरण करते हुए उन्हीं को मैं आज पुकार रही हूँ इस भजन के द्वारे। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह मैम, ये एक पीस सी मिल जाती, एक शांति सी मिल जाती, जिसे कहा जाए आज की वक्त में, आज के इस माहौल में हमें खासा जरूरत है, हमें शांति, एक स्टेबिलिटी चाहिए हमें अपने अंदर, और ये जाने की अपनी दो लाइनों के साथ भी हमें एक सुकून मिला। मैम आज इंडस्ट्री काफी बदल चुकी है, म्यूजिक काफी बदल चुका है, और दौर कहा जाए काफी अलग हो गया है 80s 90s से आज का म्यूजिक, काफी कितना बदलता हुआ आपने देखा है मैम, मतलब कितनी डिफरेंसेस आप देख रही हैं आज? बहुत, अभी मुझे 48 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो बहुत बहुत सारे चेंजेस मेरे सामने मैंने देखे हैं। पहले होता था कि बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद लाइव म्यूजिशियंस होते थे, 100 म्यूजिशियंस होते थे, उसके बाद फिर लाइव रिकॉर्डिंग छोड़ करके फिर पहले रिदम ट्रैक लेना, फिर म्यूजिक ट्रैक लेना, फिर उसके ऊपर सिंगर की वॉइस आती थी जी, ये दौर देखा है। उसके बाद फिर कहने लगे कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ रिदम ट्रैक के 4 बार रिकॉर्ड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर ये लेंगे, वो दौर देखा है। तो बहुत सारी चेंज, अभी तो पता ही नहीं चलता कि मतलब रिकॉर्डिंग हो कहाँ रही, कि छोटे छोटे मतलब जो ह्यूज स्टूडियोज वगैरह होते थे अभी तो कहीं दिखते भी नहीं, उसके बारे में टुकड़े 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 करे, इतने छोटे छोटे 2 लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं उतना, तो पता नहीं मुझे मतलब इवन म्यूजिशियन बैठते कहाँ है। लेकिन अरे ये सब दौर की बात है, इसमें वो अच्छे बुरे में क्या बोलूंगी। अब ऑफकोर्स मुझे मेरा दौर सबसे अच्छा लगता है, जब भी 100 म्यूजिशियन के साथ गाने को मौका मिलता था ऐसे लगता था कि स्वर्ग से कहीं से आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रहा आजकल के म्यूजिक की बात, तो म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता, इट इज जस्ट अ विंडो टू द प्रिवेलिंग सोसाइटी, कि आपका रहन सहन जैसा है वैसा ही म्यूजिक होता है, तो उनको ये अच्छा लगता है आज के कल के बच्चों को, लेकिन उनकी पसंद पुराने गाने आज भी वही है, उसी को लेके, क्योंकि उन्हीं गाने को लेके वो फ्यूजन कर रहे हैं, है ना, कोई नया नहीं बना रहे, वो पुराने गानों को लेके, दैट मींस कि उनकी रूह उन गानों के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ मैम कई बार अभी रिसेंटली मैंने कई इंटरेक्शन किए जो सीनियर जो 80s और 90s के सिंगर्स रहे हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने काफी चिंता जताई कि आज का म्यूजिक कहीं हमारी संस्कृति हमारे ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, बहुत ही अलग कहा जाए वे में आज का म्यूजिक चल रहा है, ऑटो ट्यून्स का यूज और अच्छे सिंगर्स को मौका ना देना। मैंने आपको बोला ना कि ये सारे दौर होते हैं, ये दौर होते हैं, कभी भी
अभी देखिए कि एक दौर वो भी था, आपने अगर वो फिल्म देखी होगी, आई डोंट नो, यू मस्ट सी दैट मूवी, बाल गंधर्व। तो बाल गंधर्व जी मतलब ही वॉज लाइक अ डेमी गॉड, डेमी गॉड मतलब जैसे गंधर्व थे, असल में गंधर्व थे वो, और वो लाइव वो ऐसे स्टेज पे होते थे कि मतलब पूरा स्टेज अलाइव हो जाता था। तो जब उनका जब वो गाते थे तब तो दुनिया लौटती थी उनको देखने देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।